जब पैसे बचत करने की बात आती है तो सबकी पहली पसंद फिक्स्ड डिपॉजिट ही होती है। एफडी पर मिलने वाला रिटर्न और सुरक्षा ही दो कारण हैं, जिसकी वजह से लोग इसमें निवेश करना पसंद करते हैं। एफडी में एक बार पैसा लगा दीजिए और उसके बाद एक तय अवधि में उस मूल रकम पर तय दर से ब्याज जुड़ता रहेगा। बैंकों के एफडी दर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर ही निर्भर करता है। इसमें रेपो रेट, बेस रेट आदि के बारे में फैसला लिया जाता है। अलग अलग बैंकों की एफडी दरें भी अलग अलग ही होती हैं। ये दरें निवेश की अवधि, रकम और निवेश करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी में निवेश करने का विकल्प देता है। प्राइवेट सेक्टर का यह बैंक 7 दिन से 10 साल की अवधि पर 2.5% से लेके 5.50% की दर से ब्याज देता है। ये ब्याज दरें 21 अक्टूबर से लागू है। वरिष्ठ नागरिकों को इन ब्याज दरों पर 50 बेसिस पॉइंट्स अधिक दर से ब्याज मिलता रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को 7 दिन से 10 साल तक की अवधि के लिए 2.9% से लेके 5.4% की दर से ब्याज दे रहा है। इस बैंक में वरिष्ठ नागरिकों को 50 बेसिस पॉइंट अधिक दर से ब्याज मिलता है। नई दरें 8 जून 2021 से लागू होंगी। प्राइवेट सेक्टर का ये बैंक 7 दिन से 10 साल तक की अवधि पर 2.50% की दर से ब्याज दे रहा है। ये ब्याज दरें 21 मई 2021 से लागू है। कोटक महिंद्रा बैंक 7 दिन से 10 साल तक की एफडी पर 2.5% से लेके 5.30% तक की दर से ब्याज देता है। ये ब्याज दरें 26 अप्रैल 2021 से लागू है। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।